सो जय हिंद। बहुत दिन से मेरे पास वीडियो पड़े थे एक मंदिर के, तो उसको फाइनली एडिट किया है मैंने, तो कराता हूँ आप सबके दर्शन। और देखना और बताना कैसा लगा आपको वीडियो। सो यहाँ से एंट्री है साईं बाबा हनुमान जी का मंदिर, उसके बाद ये लक्ष्मण गोदीराम चौतादार और ये हमारे भोलेनाथ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। कसम से इतनी शांति है ना इस मंदिर में कि शायद ही कोई मंदिर में आज के मिले। वो भोलेनाथ, वो मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है, हमेशा हमेशा रहेंगे। तो इस मंदिर के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर मंदिर के बारे में है कि ये श्री बद्रीनाथ जी के इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और बाकी सारे डिटेल्स दिए गए हैं। मस्ट विजिट प्लेस है। ये पीछे के द्वार है यहाँ पर चलने के मंदिर के, बहुत ही अलग ही लेवल का सुकून है यहाँ पर। ये बराबर मुख पे और ये हाईवे टच, यहाँ भोलेनाथ के प्राण प्रतिष्ठा, भोलेनाथ का पूरा मूर्ति जो बाहर से हमें दिखती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक घंटा का भाई, बहुत सुकून मिला है। और हम गुरु घूम के फिर से मंदिर की तरफ आ गए। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, बहुत ही बढ़िया। जब आप एंटर करते हो तभी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक सीढ़ी आप जैसे ऊपर ऊपर आते हो तो जो भगवान के दर्शन हैं वो धीरे धीरे होते रहते हैं। ये मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर की तरफ से, पर मैं वापस एक बार थोड़ा आपको अंदर आके दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। ये बाहर की तरफ है, ये इतना बड़ा घंटा। ये जब हम अंदर आएंगे तो मेरे इस तरफ विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरफ स्वयं गणेश जी की मूर्ति है। और इस तरह जब हम ऊपर चलते रहते तो इस मंदिर का जो है इस प्रकार कुछ आपका दर्शन होता है। और मंदिर मेरे हिसाब से ऐसे ही होने चाहिए, एकदम खुले खुले। और यहाँ से जब हम घूम के आएंगे तब विष्णु जी महादेव की मूर्ति यहाँ मिलेगी। ये कुछ था अपना, तो ये कुछ था अपना मंदिर के दर्शन। मैं बहुत समय से देख रहा था बट कभी मेरे को टाइम मिला नहीं। आज बहुत धूप है पर यार बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बाहर का व्यू एक बार दिखाता हूँ। मंदिर से बाहर निकलेंगे तो एक थोड़ा पानी का पूल जैसा बनाया है, यहाँ पर शायद गौशाला भी है यहाँ पर शायद बन रहा है, क्योंकि बहुत ही मुंबई के बाहर वाला एरिया है तो शायद थोड़ा बनने में शायद टाइम लगे, बट यार ये आने लायक की जगह है। और इसी जगह से जब हम नीचे उतरेंगे, अरे बहुत गर्म है रे बापू, तो पीछे की तरफ, एक अपने एक शिवलिंग है और मेरी माँ माता जी, मेरी माता रानी का, जय माता दी। माता जी है या कुछ मुझे भी नहीं पता, लेकिन खैर भगवान तो भगवान है, श्रद्धा रखनी चाहिए हमेशा। अब यहाँ पर कुछ मेरे और भोलेनाथ के पिक्स, मैं और मंदिर, यहाँ पर मैं और भोलेनाथ। तो ये मंदिर है कुछ पनवेल के आगे कपोली के बीच में, लोकेशन मुझे भी नहीं पता, बट आप श्री बद्रीनाथ जी टेम्पल ऐसे डालो
सामने हुई रोड पे राइट हैंड साइड पे। लाइक दिस वीडियो, ये ऐसी एक वीडियो था। अगर कोई मेरा भाई जाता है तो कमेंट करना कि मैं भी वहाँ गया था और लोकेशन बताना। टिल देन जय हिंद।